झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए श्रम मंत्री ने कहा है कि 9 वर्षों के कार्यकाल में देश 9 कदम भी विकास के पथ पर नहीं चल सका है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान चतरा के लोगों को स्टील प्लांट व रेल के साथ साथ देशवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने व महंगाई पर लगाने के अलावे देश भर के बेरोजगार 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का सपना दिखाया गया था, लेकिन आज 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो किसी के खाते में 15 लाख रुपए ही आए और ना ही चतरा में स्टील प्लांट और रेलवे का दर्शन ही जिलेवासियों को मैसर हुआ। बाबा साहब एक विचार एक व्यक्ति हैं, एक ही समाज नहीं मनाना कि हमें अंबेडकर जी को मनाना है। बाबा साहब ने जो इस देश में इतिहास लिखे, देश के प्रत्येक कोने में हर समाज को, जंगल पहाड़ से लेकर शहर तक हर समाज को बाबा साहब को याद करना चाहिए और जयंती मनाना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने संविधान लिखा किसी एक समाज ने नहीं लिखा, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायक पालिका हो, जो आज पूरा देश संचालित है। आज हम उसी संविधान के दायरे में यहाँ से विधायक आरक्षण कोटे से मंत्री हैं, तो सभी समाज को लेकर के बाबा साहब ने संविधान बनाया। और जब उनका संविधान संचालित हुआ पूरे देश में, तो आज हम लोगों को जो अधिकार विभिन्न समाज को जो मिल रहा है सब बाबा का ही देन है। आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो राह बताया है, उस राह पर हमें चलकर उनको लाभ देने के काम करेंगे। अभी ब्लॉक में 5 करोड़ का भवन यहाँ बना है, प्रखंड मुख्यालय है, उनको हम विवाह मंडप के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, उसको हम मीटिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी का उससे भी उपयोग कर सकते हैं। यानी जिस तरह का जरूरत है उसको हम बढ़िया से बना करके उपयोग कर सकते हैं। लगभग 900 करोड़ रुपया के जनरल सेक्शन होने जा रहा है। हमको नहीं लगता है कि कोई सा समाज, कोई सा पंचायत, कोई सा गांव, कोई सा टोला, कोई सा मोहल्ला जो विकास से वंचित रहेगा। जन की बात तो 9 बरस हो गया, जन की बात करिए, धन की बात करिए, विकास की बात करिए, स्टील प्लांट लगाने की बात करिए, रेलवे लगाने की बात करिए, सड़क बनाने की बात करिए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करिए, 15 लाख खाते में पैसा देने की बात करिए, महंगाई चरम सीमा पर है इसको रोकने की बात करिए। तो जब जब लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो सभी तरह तरह के सुगुफे छोड़े जाते हैं, लाल पीला हरा हमरे से बंडी पहन के बहुत सारे लोग आते हैं, झूठा भाषण झूठा शोषण देकर चल जाते हैं। एक से गीत भी, कलाकार भी, नाटक नुक्कड़ भी होगा और सभी जान में फंस जाते हैं। कहीं अमृत महोत्सव बन रहा है, अब देश नहीं बचेगा तो देश आगे बढ़ रहा है, सरल भारत होगा, इस सब सरोवर से कुछ होने वाला नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।